खुद जो है वो इन द मनी हो गया। तो इन द मनी ये जो है यहाँ पे ITM प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी रहने की कितनी है, तो ऑलमोस्ट 100%, 98.6। तो ये बुट जो है इतना रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ बड़ा न्यूज आया मार्केट फाड़ के निकले, सुपर फाड़ के निकले और इसके ऊपर 30,000 450 के ऊपर चलाया जाता है, तो फिर ये एट द मनी आउट ऑफ द मनी हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये इन द मनी रहेगा। और यहाँ पे सेम साइड अगर आप देखोगे कॉल में, तो ये आउट ऑफ द मनी रहने के चांसेस कितना है 1%। तो इफ़ यू आर अ सेलर, तो आप जितना भी दूर से ऑप्शन बेचोगे तो दैट्स बेटर फॉर यू। हेलो एवरीवन, चलो आज हम लोग देखते हैं आयन कॉन्डो स्ट्रेटजी। पिछली दफ़ा हम लोग ने चेक किया था शॉर्ट स्ट्रैंगल, उसके पहले हम लोग ने चेक किया था शॉर्ट स्ट्रैडल और आयरन फ्लाई। शॉर्ट स्ट्रैडल को हम लोग सेफली अगर खेलना चाहे विथ है तो आयरन फ्लाई होगा, और शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम लोग सेफली खेलना चाहेंगे तो आयरन कॉन्डर हो जाएगा। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे ही, और फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑप्शा। उसमें आप यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स दिखाई देंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की और बाकी के स्टॉक्स की भी। मगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन में जाके क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा मल्टीपल ऑप्शंस, जो 10,000 से नीचे ले के ऊपर 13,000 पीछे जो भी वॉल्यूम है मंथली में वीकली में, वो आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दिखाना चाहूँगा जिससे आप काफ़ी अच्छा मीन्स प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और द पीपल हु आर एडवांस इन दिस, दे पीपल आर आई एम डैम श्योर दे विल नो अबाउट दिस, बट जो बेसिक लेवल पे है तो उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए है ये। तो यहाँ पे ITM है, तो ITM प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इन द मनी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कॉल्स है, यहाँ पे पुट्स है, तो ठीक है। तो 9,000, ये दिस इज़ द रेंज ऑफ बिलो 9,000, ठीक है, सॉरी बिलो 10,000, यहाँ पे 9,300 है, दिस इज़ द लास्ट स्ट्राइक यहाँ पे है, तो 9,300 है मंथली में 26 नवंबर। तो 9,300 जो कि डाउन साइड है, क्योंकि फिलहाल मार्केट चल रहा है 11,650, तो 9,300 वो डाउन साइड है, तो वो हुआ आउट ऑफ द मनी पुट, ठीक है, और इन द मनी कॉल। और सेम उसी की तरह ऊपर की साइड अगर हम लोग देखें तो 13,450, क्योंकि 11,650 मार्केट चल रहा है, तो उसके हिसाब से ऊपर का जो है कॉल तो 13,450 है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल, और पुट जो है वो इन द मनी हो गया। तो इन द मनी ये जो है यहाँ पे ITM प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी रहने की कितनी है, तो ऑलमोस्ट 100%, 98.6। तो ये पुट जो है इतना रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ बड़ा न्यूज़ आया और मार्केट फाड़ के निकले, छप्पर फाड़ के निकले और इसके ऊपर 13,450 के ऊपर चला गया, तो फिर ये एट द मनी या आउट ऑफ द मनी हो सकता है, वरना मोस्ट प्रोबेबली ये इन द मनी रहेगा। और यहाँ पे सेम साइड अगर आप देखोगे कॉल में, तो ये आउट ऑफ द मनी रहने के चांसेस कितना है 1%। तो इफ़ यू आर अ सेलर, तो आप जितना भी दूर से ऑप्शन बेचोगे तो दैट्स बेटर फॉर यू। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1% है, तो अगर आप 6 रुपया बेच रहे हो देन इट्स काइंड ऑफ मीन्स श्योर अ प्ले फॉर यू कि आपको ये मिलेगा प्रॉफिट। मगर यहाँ पे आपको आपकी ब्रोकरेज, आपका बाकी के ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये सब निकाल के खेलना पड़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और ये सेम चीज़ यहाँ पे है कॉल में, यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 100% ये इन द मनी रहेगा, और यहाँ पे 0, तो 9,300 जाने के सी, इफ़ देर इज एनी काइंड ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट तो मार्केट क्रैश हो सकता है, 9,300 से नीचे भी जा सकता है, 500, 5,000 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो देर इज़ अ
प्रोबेबिलिटी ऑफ 1% एनी टाइम, तो हो सकता है वो, मगर ऐसे चांसेस और ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप इन द मनी की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो बहुत ही कम है यहाँ पे. तो यू कैन सेल दिस ऑप्शंस एंड यू कैन अर्न प्रीमियम, ठीक है. एंड वो आप वीकली में बेचो, ठीक है, नेक्स्ट वीक में बेचो, या तो फिर मंथली में बेचो, या तो उससे भी आगे में बेचो, इट्स अप टू यू आप क्या सेल करना चाह रहे हो, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट मीन्स इन द मनी प्रोबेबिलिटी विच आई वांट टू शेयर. और अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं आयरन कॉन्डो स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा था. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस और चलो शुरुआत करते हैं. तो फिलहाल मार्केट चल रहा है 11,650, तो यहाँ पे ये एट द मनी है, ठीक है. तो ये दोनों प्रीमियम एट द मनी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट साइड हम लोग नीचे की साइड देखें तो ये सब आउट ऑफ द मनी है, और ये जो है तो कॉल की साइड ये सब आउट ऑफ द मनी है. तो हमें क्या करना है कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमको क्या कौन सी ऑप्शन बेचना है. अगर मान लीजिए कि 11,650 है, तो 650 के हिसाब से मैं अगर 11,000 भी बेचता हूँ तो इट्स अ गुड इनफ, क्योंकि 20% देर इज़ अ चांस ऑफ दिस टाइम टू गेट इन द मनी, ठीक है. और मैं उससे भी नीचे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 10,000, चलो चेक करते हैं एटलीस्ट कि 10,000 मैं बेचता हूँ, जो कि है ऑलमोस्ट 16 रुपीज़, और उसकी प्रोबेबिलिटी है इन द मनी होने की 1, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी रेयर चांस कि इन द मनी होगा, तो हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है. और उसके साथ हम लोग ऊपर की तरफ भी देखते हैं कॉल में. तो हम लोग ने करीबन 16 रुपीज़ का जो प्रीमियम बेचा है उसके अगेंस्ट में हम लोग 15-16 लेंगे. यहाँ पे 12,800 पे 14 है और 12,700 पे 18 है. तो दिस इज़ ऑलमोस्ट मीन्स दिस इज 1,000 पॉइंट्स, क्योंकि 11,650 है और यहाँ 12,700 है. तो हम लोग ये सेल करते हैं 1,000 पॉइंट्स इन अ मंथ. इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स डिफ़िकल्ट. तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ओवर हियर टू गेट टू बी इन द मनी इज़ ऑलमोस्ट 10, तो वो भी बहुत रेयर है. तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली ये शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया. हम लोग ने दूर की OTM स्ट्राइक बेची है, तो ये शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया. और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 90% तक की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, और मैक्स प्रॉफिट जो कि है ऑलमोस्ट 2.5%. सो 2.5% इन अ मंथ, आई थिंक इट्स अ फेयर इनफ. प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए शायद उनको थोड़ा कम लगे, मगर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स टारगेट फॉर 4-6% एटलीस्ट, बट स्टिल इट्स अ गुड डिसेंट प्रॉफिट कंसिडरिंग द POP, ओके. एंड एस्टिमेटेड मार्जिन ओवर हियर इज 1,07,000. इट मे गो अबाउ दैम अबाउ इट, और उससे कम भी हो सकता है, मगर ऑन एन एप्रोक्स यहाँ पे 1,10,000 हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो उसके हिसाब से करीबन 2.5% हो सकता है. दिस इज़ द शॉर्ट स्ट्रैंगल. अब हम लोग उसको हैज करेंगे, ठीक है. तो 10,000 का पुट है और ऊपर 12,700 का, तो उसको हैज करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है. तो 18 रुपीज़ हम लोग ने लिया, तो एटलीस्ट हम लोग 9 रुपीज़ से भी हैज करते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट हम लोग 9 रुपीज़ भी प्रीमियम अर्न करते हैं. तो उसको मार्जिन कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, POP कितना होगा वो देखते हैं. तो 13,000 का कॉल हम लोग हैज में लेंगे एंड वी शोल्ड 12,700, सो जस्ट 300 पॉइंट्स अबाव, एंड दिस इज़ द केस. स्टिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 90%, ठीक है. और यहाँ पे मार्जिन कम हो गया, मैक्स प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ. नाउ विल गो फॉर द डाउन साइड. 10,000 को हम लोग हैज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऑल स्ट्राइक सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ने जो बेचा था 10,000,
ठीक है, तो वो 16 है, तो हम लोग यहाँ पे 97 ले सकते हैं या तो फिर 96। ओके 96 लेते हैं, 8.5। ओके इट्स अप टू यू, आप किससे हैज करना चाह रहे हो, 10,000 को 10,000 सॉरी 9,050 से भी हैज कर सकते हो, ठीक है, और उसके नीचे से भी हैज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो गाइस ये बन गया आयरन कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी डिफाइंड है और लॉस भी डिफाइंड है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका यहाँ पे होगा 28,665, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ओवरऑल लॉस जो होगा आपका 51%, और इस तरफ गया तो 21,000 लॉस होगा, ठीक है, अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को क्रॉस करके यहाँ पे एक्सपायर होता है तो, और ये रेंज में एक्सपायर होता है, देन यू विल अर्न 1,335 रुपीज़, विच इज़ 2.38%, एंड प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 90%। सो दिस इज़ द मोस्ट मीन्स अ बेटर थिंग टू लुक आउट फॉर इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विच इज़ 90%। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एंड अप ओवर इन टू दिस जोन, मगर इससे ऊपर ब्रेक इवन के ऊपर जाता है तो क्या होगा, सो इट्स अप टू यू, आइदर यू कीप स्टॉप लॉस अराउंड योर समथिंग, आप स्टॉप लॉस रख के निकल सकते हो, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, देयर आर मैनी ट्रिक्स विच यू कैन लर्न बाय टाइम, मगर फिलहाल जो है मैं आपको सिर्फ आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड मार्जिन जो कि 1,07,000 था, वो कम होके 56,000 हो गया। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो मार्जिन दिखाई दे रहा है वुड नॉट बी द सेम, यहाँ पे ऑन एन अप्रोक्स 56 होगा, वो करीबन 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, बट मोस्ट प्रॉबली इससे ऊपर होना चाहिए, कम तो नहीं होगा शायद, मगर थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज वगैरह सब निकाल के भी अगर करो तो भी एटलीस्ट यू विल अर्न 2% पर फॉर मंथ, सो इट्स अ फेयर डील। अब 24% आप सालाना निकाल रहे हो, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप म्यूचुअल फंड भी देखोगे तो 12-15% लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है, और आप मैनेज कर लेते हो ये जोन में 20 एटलीस्ट सालाना, इट वुड कंसिडर अ गुड थिंग। और यहाँ पे आप ब्रेक इवन देखते हो तो 9,983, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देखो तो 9,999, 9,999, तो मतलब बेसिकली इट इज़ 9,983 एंड अबाउ इट इज़ 12,717। सो यहाँ पे अब आप 1,000 पॉइंट उसको चलान मारनी पड़ेगी और नीचे उससे ज़्यादा, तो आपका तो ये आप लॉस में जा सकते हो, वरना ये रेंज में एक्सपायर होता है तो आप ये 1,000 रुपये कर ले जा सकते हो 1,300, मगर आपके हाथ में आएंगे 1,000 1,100 के आसपास, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह सब निकाल के आपको उतने मिलेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको मार्जिन देखना है, तो उसके हिसाब से ओवरऑल आप स्ट्रक्चर बना पाओगे कि कितना परसेंट आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द बेसिक पिक्चर अबाउट आयरन कॉर्नर स्ट्रेटजी, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑप्सरा में कीजिए, सेंसिबल में कीजिए, पेपर पे भी कीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर पे कीजिए, एंड लर्न फ्रॉम इट एंड अर्न फ्रॉम इट। सो इफ देर इज़ एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो और शेयर अबाउट, यू कैन प्लीज़ कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स, और आपको कुछ और जानना है, कोई और स्ट्रेटजी के बारे में जानना है, या तो फिर कोई और डेटा वगैरह कुछ भी जानना है, देन प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।